मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको ओबीसी नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे। आपको मैंने 90 जो हमारे आईएएस ऑफिसर देश को चलाते हैं उनका उदाहरण दिया, उधर आपको सिर्फ 3 मिल रहे हैं। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस बार बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। आगे बन करके बैठ जाते हैं। सवाल सबके सामने है, प्रधानमंत्री आपको अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे, पहले कहते थे मैं ओबीसी हूँ, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है, और दूसरी बात है वो ओबीसी है या ना है। हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, MSK मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल एट मुस्लिम चौक, मिजगोरी, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई BSc डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स यदुला कॉलोनी एंड अल शरई पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। एडमिशन आर ओपन, कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल्स। सवाल सबके सामने है, प्रधानमंत्री आपको अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे, पहले कहते थे मैं ओबीसी हूँ, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है, और दूसरी बात चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं, दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को ये नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में, ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो सबसे पहले इनकी गिनती होनी है। तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। दूसरी बात, जो हमने 2011 में सर्वे किया था उसके आंकड़े वो देश के सामने रख दे। मामला हल हो जाएगा। ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं, ये सवाल देखिए, ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, ये सवाल हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों का है। तो भाषण में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं ओबीसी हूं या मैं ओबीसी नहीं हूं, ये रेलेवेंट ही नहीं। रेलेवेंट ये है कि इस देश के कितने लोग ओबीसी हैं, वो रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको ओबीसी नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे। आपको मैंने 90 जो हमारे आईएएस ऑफिसर देश को चलाते हैं उनका उदाहरण दिया, उधर आपको सिर्फ 3 मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आपको ओबीसी, दलित, ट्राइबल नहीं मिलेंगे। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। हाँ सॉरी सर, कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया, अन्याय किया। इन लोगों ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कुछ दिन पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, हमने वो सम्मान किया। लेकिन याद करिए, उस कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से ओबीसी समाज के उस महापुरुष के साथ क्या व्यवहार हुआ था, किस प्रकार से उनके सब जुल्म गए। 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनको पद से हटाने के लिए कैसे कैसे खेल खेले गए थे, उनकी सरकार अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस को अति पिछड़ा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं हुआ था। 1987 में जब कांग्रेस के पास पूरे देश में उनका झंडा फहरता था, सत्ता ही सत्ता थी, तब
उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। और कारण क्या दिया? वो संविधान का सम्मान नहीं कर सकते। जिस कर्पूरी ठाकुर ने पूरा जीवन लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए, संविधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया, उनका अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस बार बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। वहां आगे बन करके बैठ जाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जरा मैं ये दुनिया भर की चीजें करते हैं, मैं कहना चाहता हूं, ये यूपीए के समय एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी जिसके सामने सरकार की कुछ नहीं। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open. Contact for details.